फाइंड एक मेरा नाम है शबर। आज हम बात करने वाले OnePlus 9 और OnePlus 8 के बारे में और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग ऑफ विद OnePlus 9R। तो यहाँ पे OnePlus 9R में हमें स्पेसिफिकेशन देखने मिलते हैं एग्जैक्टली द सेम एज द OnePlus 8T। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ सिमिलर है, बॉडी टच सिमिलर है और पीछे यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल्स का इस्तेमाल सेम किया गया है। उसमें थोड़ा सा रीडिज़ाइन करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक बीफ्ड अप प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि 870। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक 865 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है और इसमें ऐसा कोई खास अलग चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको। ऑलमोस्ट सिमिलर हर चीज़ें इसके अंदर, बाकी बिल्कुल सेम है 865 की, अदर दैन द हायर क्लॉक स्पीड कोर। और यहाँ पर बात करते हैं दूसरे डिवाइस की जो कि है OnePlus 9। यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है जो कि न्यू जनरेशन का चिपसेट है। स्नैपड्रैगन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस गेंस वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे कट्स इधर उधर देखने को मिल रहे हैं हमें। तीनों ही फोन यहाँ पे 6.55 इंचेस के 120Hz फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं जो कि मेरे हिसाब से ऑन ऑल थ्री फोन्स एग्जैक्टली द सेम डिस्प्ले का इस्तेमाल हो रहा है। और सामने के फ्रंट कैमरा जो है वो भी सिमिलर है तीनों ही डिवाइसेस में। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर OnePlus 9 में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल रही है, साइड में जो रिम है वो प्लास्टिक की है, पीछे चाहे फिर ग्लास हो, लेकिन वहीं पर OnePlus 8T में पिछले साल हमें मेटल बॉडी डिज़ाइन देखने को मिला था यहाँ पर। और जितना मैं जानता हूँ 9R अभी सामने नहीं आया और अभी कोई डेट्स वगैरह भी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, जिसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये है कि यहाँ पर OnePlus 8T की जितनी से ज़्यादा यूनिट सेल हो सके वो करने की कोशिश हो रही है और ये सच में हो रहा है। मैं उस स्टोर का नाम नहीं लूँगा लेकिन वहाँ पर मैंने पता किया तो वहाँ पर अभी यही टैक्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, OnePlus 8T को हटाने की कोशिश करी जा रही है, जल्दी जल्दी खाली कर दिया जाए स्टॉक, उसके बाद ही कोई डेट सामने आएगी सॉलिड 9R के लॉन्च की। लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से OnePlus 8T की ही बॉडी का अगर इस्तेमाल करता है OnePlus 9R तो हमें मेटल और ग्लास देखने को मिलेगा एक चीपर फ़ोन में कंपेयर टू द OnePlus 9। और यहाँ पर उसके साथ साथ एक और बात करते हैं, यहाँ पर OnePlus 9 इंडिया में वायरलेस चार्जिंग के साथ भी नहीं आता जो कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउनर हो सकता है। यही वैल्यू प्रोपोजिशन पिछले साल भी हुई थी OnePlus 8 के लॉन्च के टाइम पर। OnePlus 8 वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फोन टू सजेस्ट, 8 प्रो काफ़ी अच्छा था और वहीं पर 70 की वैल्यू जो थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नीचा कर देती थी OnePlus 8 को। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इस बार देखूँ तो OnePlus 9 फिर से वैसी ही सिचुएशन में है। यहाँ पर हमें 9R देखने को मिलता है और साथ साथ OnePlus 8T भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्मार्टफोन्स हैं और प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। यहीं पे प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे तो OnePlus 9R आपको 40,000 रुपीज़ में स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। OnePlus 8T के बेस वेरिएंट की बात करते हैं, 8+128GB ही हमें 9R में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो OnePlus 8T है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 43,000 रुपीज़। और अभी आप इस टाइम परचेज करते हैं OnePlus 8T तो Amazon पे SBI कार्ड्स पे 3,000 रुपीज़ ऑफ है। और उसी के साथ साथ जब OnePlus 9R लॉन्च होगा वहाँ पर हमें 2,000 रुपीज़ ऑफ देखने को मिलेगा SBI कार्ड पे। दैट विल मेक दैट स्मार्टफोन इवन मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू द 8T। और वहीं पर बात करते हैं OnePlus 9 की, वहाँ पर वो 50,000 रुपीज़ का, वहीं पे आपको वहाँ पर भी 3,000 रुपीज़ का SBI कार्ड पे ऑफ देखने को मिलेगा जब कुछ ही दिनों में वो भी सेल पे आने वाला है। 9 प्रो की सेल लाइव है और दैट फोन इज़ वन थिंग दैट आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट एटलीस्ट इन इंडिया। यहाँ पर आप इसको 61,000 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं विद अ 4,000 रुपीज़ डिस्काउंट फ्रॉम SBI। तो उस हिसाब से देखें तो 9 प्रो इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन। और वहीं पर बात करते हैं OnePlus 9 की, तो OnePlus 9 से आप बच सकते हैं बिल्कुल और आप OnePlus 9R का वेट करें। और OnePlus 9R का नहीं किया जा रहा वेट तो OnePlus 8T जरूर ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वेट फॉर द OnePlus 9R। और OnePlus 8T अभी के लिए स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फोन्स हैं, आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देंगे बस उसके लिए। तो इतना था इस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इन स्मार्टफोन्स के ऊपर और क्या आप एग्री करते हैं मेरी बातों से या फिर आप कोई और बढ़िया स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं जो आने वाला है इसी प्राइस पॉइंट में, वो सब नीचे बता दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।